दूंगा दूंगा रे दूंगा रे समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति दूंगा मैं तुझे अपने प्रिय पौत्र मकराक्ष की बलि और मैं तुझे अपनी शक्ति की परीक्षा दूंगा लूंगा लूंगा रे माया बनी भया बनी डरा बनी डाकनी पिशाचनी नारी लूंगा मैं अमृत पूजा और पुष्पांजलि लूंगा रे राक्षसी। हम जब स्टेज पर होते हैं तो माँ साक्षात होती है, हम जहाँ भी रहते हैं माँ का आशीर्वाद होता है और माँ के बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं या चलते हैं या स्टेज पर जो भी हम करते हैं। हम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं माँ करते हैं, माँ करती है। महिषासुर नाटक से एक डायलॉग देता हूँ। सर जी लाते कहाँ से हैं? साक्षात माँ है, माँ मुझे शक्ति प्रदान करती है। हम स्टेज पर भी होते हैं तो यही एहसास करते हैं, क्योंकि अभी देखिए 65 साल की उम्र है मेरी, फिर भी अभी मैं उसी तन्मयता से स्टेज कर रहा हूँ और उसी शक्ति से स्टेज कर रहा हूँ। जैसे इस बार महमूद गजनी का स्टेज कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे लगभग जो पुराना रूप रवैया है मेरा, वही रूप रवैया में मैं स्टेज कर रहा हूँ इस बार भी। तो ये शक्ति जो है सो ऊपर से मिलती है, माँ देती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है। पहली बार आपने कितने साल की उम्र में नाटक मंचन? मैंने 16 साल की उम्र में स्टेज पकड़ा है गब्बर सिंह के रोल से, और 76 में मैं गब्बर सिंह का रोल किया था, फिर 76 के बाद में आज तक माँ की चरणों से दूर नहीं हुआ हूँ, अभी तक खिंचता चला जा रहा हूँ। मतलब हर साल कर रहे हैं? हर साल कर रहे हैं। वैसे आप कहें तो मैं साल साल गिनती भी करा दूँ। विचार को बताइए कौन कौन सा रोल आप किया? गब्बर सिंह, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद बनवीर सिंह राज मुकुट में, उसके बाद हमने सलीम का पार्ट किया था अनारकली, 81 में पृथ्वीराज का रोल किया था, 82 में जम्बूरा का रोल किया था, 83 में बहादुर अलाउद्दीन का रोल किया था पनाह में, 84 में मैंने सिकंदर का रोल किया था, 85 में सिराजुद्दौला का रोल किया था, 86 में बहादुर शाह का रोल किया था, 87 में महिषासुर का रोल किया था, 88 में कंस का रोल किया था, 89 में अकबर का रोल किया था अनारकली में, और 90 में जहांगीर का रोल किया था, जहांगीर का इंसाफ नामक नाटक में, 91 में लंकापति रावण में रावण का रोल किया था, 92 में मैंने डबल रोल किया था। डबल रोल भी कर? हाँ जी, 92 में मैं अकबर और महाराणा प्रताप दोनों रोल किया था। डबल रोल में क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां देखिए माँ की कृपा है, सब माँ जो करती है माँ करती है। हमने तो यही अनुभव किया, और पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो माँ साक्षात होती है। हम जहाँ भी रहते हैं माँ का आशीर्वाद होता है, और माँ के बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं या चलते हैं या स्टेज पर जो भी हम करते हैं। हम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं माँ करते हैं, माँ करती है। और उसके बाद हमारे गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, जिन्होंने अपनी विद्वता मेरे अंदर डाली, अपनी कलाकारी मेरे अंदर डाली, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी इस पथ पर बढ़ने के लिए, और उन्हीं की प्रेरणा को हम ग्रहण किए और उसको उनकी दी हुई शिक्षा को हमने पूर्ण रूप से ग्रहण किया और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया, और उनकी प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँचे। आपको तो फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। फिल्मी दुनिया में जाने का भी प्रयास मैंने किया है भाई, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है वो रुपये वाले का है। हम गरीब आदमी हैं, हम कमज़ोर आदमी हैं, इसलिए हम पीछे रह गए, हम फिल्म दुनिया में नहीं जा सके। लेकिन हम एक सीरियल में काम किए, सीरियल नहीं कहिए, टेलीफिल्म थी आधे घंटे की, विजय खर्रे उसका डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक रमई राम के पिता का अभिनय करवाया था मुझसे, किशनी राम का मैंने किया था, याद बाद फिर कभी मौका फिर कभी मौका नहीं मिला। मौका क्या, मैं उधर उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था आर्थिक स्थिति के कारण, यही मैं समझा, तो बेकार था कदम बढ़ाना ही उधर। हम सच्चाई की ओर जाते हैं, हम असत की ओर नहीं जाते हैं। अगर मौका मिलेगा टीवी सीरियल या फिर फिल्म में काम करने का या फिर भोजपुरी में तो जाएंगे? हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं।
अभिनय से मुझे लगाव है बचपन से आज तक, और अभी भी मुझे जो लगाव है वो बच्चों की तरह लगाव है। ऐसी बात नहीं है कि हम बूढ़े हो गए या हमने बहुत बड़ा बड़ा रोल किया है तो हम समझ रहे हैं कि हम यह हैं वो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज भी बच्चे ही हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा तो घर गंगासराय, लखीसराय के बरहिया स्थित गंगासराय। जी हाँ। तो सुन रहे थे अजीत कुमार जी हैं, जो पिछले 49 साल से लगातार अभिनय की दुनिया में अपने गांव में ही नाटक में भाग लेते हैं, और यहां तक ये डबल रोल भी करते हैं, उसके बाद सीरियल में भी काम ये किए हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।